नमस्कार, मैं गौरी, स्वागत करती हूँ आपका, देख रहे हैं आपसी न्यूज भारत। मिडिल ईस्ट के देश कुवैत में 40 भारतीय मजदूरों की मौत से हर कोई हैरान दुखी है। बीते दिन कुवैत के मंगाफ में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और उस आग की चपेट में 40 भारतीय मजदूर आ गए, जिससे उनकी जान चली गई। ज्यादातर मजदूर तमिलनाडु और केरल के रहने वाले थे। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पीड़ित के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्लान किया है। वहीं कुवैत में जो आग की घटना हुई है उससे हर कोई हैरान है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय लोगों की स्थिति काफी खराब है। खास तौर पर जो मजदूर हैं वो सिर्फ पैसों के लालच में कुवैत और दूसरे देशों में जा बसते हैं, लेकिन वहां पर काफी बदतर हालात में रहने को मजबूर दिखते हैं। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे देशों में पलायन करने को मजबूर होते हैं। यही कारण है कि कुवैत में हुई इस आगजनी में मरने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर ही हैं। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें, कुवैत के मंगाफ में 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में अब तक 49 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिनमें से भारतीयों की संख्या 40 से भी अधिक है। वहीं घायलों की संख्या 50 बताई जा रही है। इस कुवैत के इतिहास की सबसे भयावह बिल्डिंग फायर बताया जा रहा है। बता दें, ये आग प्रवासी मजदूरों की एक रिहायशी बिल्डिंग में बुधवार तड़के उस वक्त लगी जब अधिकतर लोग सो रहे थे। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रहते थे, जिन्हें आग लगने के बाद संभालने का मौका भी नहीं मिला। वहीं अधिकतर लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, तो कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी अपनी मंजिलों से छलांग लगाई। इस अग्निकांड को लेकर कुवैत से लेकर भारत में सनसनी मची है। कुवैत सरकार ने इस घटना में एक्शन लेते हुए लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस आग को लालच का नतीजा बताया है। दरअसल दक्षिणी कुवैत के मंगाफ में NBTC ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का इस बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया था। बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से बहुत अधिक था। बताया जा रहा है, मजदूरों को ठूस ठूस कर इस बिल्डिंग में रहने को मजबूर किया जा रहा था। वहीं आगजनी में अधिकतर पीड़ित जल गए। कुछ शव इस कदर जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। पीड़ितों की पहचान के लिए DNA जांच चल रही है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, उनके परिजनों को सूचित कर शवों को भारतीय वायुसेना के विमान से स्वदेश लाया जाएगा। इस घटना के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन कुवैत गए हैं। जाहिर है, कुवैत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर विदेशी कामगारों पर निर्भर है, जो बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 लाख भारतीय इस वक्त कुवैत में रह रहे हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या मजदूर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और टेक्नीशियन है। वहीं इस आगजनी की घटना को कुवैत के इतिहास की सबसे भीषण आग बताया जा रहा है। इससे पहले 2009 में कुवैत में एक महिला ने प्रतिशोध के इरादे से एक शादी समारोह में आग लगा दी थी, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।